हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है यार? फाइनली 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 आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 2 मंथ्स। हाँ, हम इतने महीने बाद जवान के ट्रेलर के बाद हम अगला ट्रेलर जो पे रिएक्शन करने के लिए आए हैं। बड़ी मुश्किलों से आया हूँ मैं तो उसका शायद आप कुछ व्लॉग देखें। क्या व्लॉग अलग से बनाओगे या फिर इसी में एडिट करके डाल दोगे बिहाइंड द सीन? व्लॉग बनाना था, तुमने टॉर्च लगाई। कोई बात नहीं, तो टॉर्च भी तो ज़रूरी है ना, वरना थोपड़े क्या दिखेंगे। खैर, तो भाई सीन ये है कि 2 महीने के ब्रेक के बाद हम वापस से आ चुके हैं बड़ी मुश्किलों से। देखो, मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, आवाज़ से पता लग रहा होगा, लेकिन फिर भी काम के साथ आपके भाई की डेडिकेशन है कि जो आ गया मैं वीडियो बनाने के लिए। अब हम आज पे जिस पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो क्या है भाई? वह टाइगर 3 का ट्रेलर। ठीक है, तो टाइगर 3 पे ट्रेलर पीने अगर इस पे कर दें गाने पे। नहीं, गाने पे बाद में करेंगे, पहले ट्रेलर पे रिएक्शन कर लेते हैं भाई। टाइगर 3 आपको पता होगा कि स्पाई यूनिवर्स, जिसकी पठान अभी आई थी इसी साल के स्टार्ट में, 2023 के स्टार्ट में, जब वो जनवरी में शाहरुख खान की पठान आई थी, उसके ही यूनिवर्स के अंदर ये टाइगर 3 भी सेट है, शाहरुख वो सलमान खान की। तो उसका ट्रेलर अभी आया है, वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है आई थिंक अगले ही महीने, नवंबर में ही रिलीज़ उसकी। तो चलो उसके ट्रेलर देखते हैं कि क्या सीन है उसके अंदर। बाय द वे, मैंने तो ट्रेलर देखा हुआ है, उसने विलन जो है वो पाकिस्तानी दिखाया है उन्होंने, वही ISI और रॉ का ना आपस में पट्टा दिखाया है। खैर चलो, पहले ये पहले वो चलो ट्रेलर देखते हैं, फिर शुरू बाद में करते बात करते हैं। और हैं। ऑन नहीं करी थी माशाल्लाह, ऑन नहीं करी थी, सॉरी सॉरी। खुलने में कितना टाइम लेगी? ये क्या आ रहा है? देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है? बस एक आदमी का। हर बंदे की लाइफ की सबसे कीमती अमानत उसकी फैमिली होती है। बीवी का प्यार, बच्चे की खुशी। तूने मुझसे ये सब छीन लिया टाइगर, अब मेरी बारी है। इस बार तू हारेगा टाइगर, तेरी फैमिली, तेरा मुल्क, सब कुछ। ये वादा है मेरा और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। I need you for a mission. Raw के लिए नहीं, personal है। Reporting for duty, sir. ये खेल हाथों का नहीं, दिमाग का है। अब choice simple है, या तुम अपने देश को बचाओ या family को। आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। गद्दारी से बदतर मौत नहीं होती एक एजेंट के लिए। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। ओ भाई ओ, सो ये था टाइगर 3 का ट्रेलर। मैं एक बात बता दूं, मेरे एक ना दिमाग में एक फ़ैन थ्योरी बन रही है, बिकॉज़ मैंने इसकी सारी फिल्में देखी, चाहे वो एक था टाइगर थी या फिर बाद में टाइगर जिंदा जो थी वो आई, फिर पठान आई या वॉर आई, उससे पहले वॉर आई थी। ये सारी एक ही यूनिवर्स में सेट है, अगर पता है आप लोगों को तो, स्पाई यूनिवर्स कहलाता है ये। तो इसके अंदर अब जो ये इमरान हाशमी का विलन सेट करा गया, इसके अंदर इसने एक बात बोली कि भाई तूने मुझसे मेरी फैमिली छीनी। अब मैं ये सोचता हूँ कि टाइगर ने
मतलब टाइगर का ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है, बिकॉज जो टाइगर जिंदा है के अंदर जो इवेंट था सारा, वो जिस जहाँ पे सेट था वहाँ तो सारे हॉस्टेजेस थे, ठीक है ना, वो तो तालिबान ने उनको कब्जा करा हुआ था, तो वहाँ पर इमरान हाशमी की फैमिली हो नहीं सकती। टाइगर एक था टाइगर जो सबसे पहले आई थी, वो भी शायद ना किसी शायद इजिप्ट में सेट थी या कहीं और सेट थी वो फिल्म, तो उसके अंदर भी ना इमरान हाशमी की फैमिली तो आ नहीं सकती। लेकिन भैया कि ये मेरा सवाल है दिमाग में कि उसकी फैमिली को कहाँ नुकसान पहुँचाया होगा टाइगर ने, अब वो तो देख फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा। तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, चुप बैठे हो पूरी वीडियो में, कुछ बोलो क्या सर वो बावले रिएक्शन देना। अच्छा रिएक्शन ये नहीं होता, रिएक्शन ये होता कि अपने अपने ख्यालात का इजहार करना, जी अपने थॉट का, अपने थॉट बताना। एक्शन फिल्में मुझे नहीं अच्छी लगती, एक्शन फिल्में ये तुम्हारे थॉट है, ये तुम्हारी नफरत है एक्शन फिल्मों के लिए। नहीं यार एक्शन फिल्में मुझे पसंद आती हैं, लेकिन ना मुझे पर्सनली बस ये टाइगर, क्योंकि यार एक तो ये इंडिया का जो ये वाले एजेंडा है ना कि अपनी फिल्मों को पाकिस्तान के नाम पे बेचने वाला, ये इनका बहुत पुराना एजेंडा चल रहा है। और पठान के अंदर उन्होंने थोड़ा सा अच्छा दिखाया था कि भाई इंडिया का ही विलन दिखाया था उन्होंने, जो जॉन अब्राहम था वो इंडिया का ही एक्स सोल्जर था, आर्मी सोल्जर, और उसके अंदर भी ऑल्दो इन्होंने कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का को लिंक कर दिया था कि भाई पाकिस्तान के एक जर्नल ने उससे ना लिंक करा, उसको उससे कनेक्ट करके इसको मरवाने की कोशिश करी पठान को ना, पठान को जो भी था वो सारा मामला। लेकिन उसके अंदर भी जो जो वो दीपिका पादुकोण जो जो एजेंट थी वो पाकिस्तान की एजेंट थी, और कैटरीना कैफ जो है वो भी पाकिस्तान की एजेंट है। कैटरीना कैफ का नाम आई थिंक जोया है ना, जोया नाम है, जोया और रुबीना ये दो नाम है, कैटरीना कैफ का नाम जोया है और इसका नाम रुबीना है, क्या नाम है दीपिका पादुकोण का ना। अब देखते हैं आप ये किसका साथ देगी जोया, ये तो फिल्म देख के पता लगेगा, बिकॉज जोया तो पाकिस्तानी है और भाई ये बंदा भी पाकिस्तानी है। और बाय द वे जिसके अंदर आर्मी सारी दिखा रहे ना, जो जिस आर्मी को इमरान हाशमी कंट्रोल कर रहा है वो आर्मी भी पाकिस्तानी ही दिखाई जाएगी, तो अब यही होगा कि पाकिस्तान आर्मी के पूरी अगेंस्ट जो होगा वो लड़ेगा टाइगर, और पाकिस्तान आर्मी को मारेगा। और देखो पता नहीं एंड तो यही होगा कि वो भी बच जाएगा, देश भी बच जाएगा, फैमिली बच जाएगी। लेकिन यह कि इस बार इस पर जो अटैक है ना वो मुल्क का अटैक, उस पर मुल्क के ऊपर अटैक नहीं हुआ, इस बार पर्सनल अटैक है टाइगर के ऊपर। डायलॉग थे ना खास नहीं लग रहे। हाँ अभी डायलॉग बड़े वो ये वाला आतिशबाजी उसने शुरू करी है, खत्म मैं करूंगा, ये इतना घिसा पेटा डायलॉग है, इस तरीके के डायलॉग इतने शुरू करे ना कि ये खेल शुरू तूने करा था खत्म मैं करूंगा, ऐसे डायलॉग वो हजारों बार फिल्मों में सुन चुके हैं, उसमें सारे हटा के आतिशबाजी ऐड कर दिया इन्होंने। और अब जैसे पठान फिल्म का बड़ा वो एक डायलॉग था ना बड़ा बड़ा मजे का कि क्या क्या दावत जब पठान के घर पे रखोगे तो पठान तो आए गई और साथ में पटाखे वो पटाखे भी लाएगा, उसी काइंड का ये भी डायलॉग है, कोई इतना वो है भी कोई डायलॉग नहीं है, ठंडा डायलॉग था। इससे ज़्यादा बेहतर ना इस ट्रेलर से ज़्यादा बेहतर ना मुझे वो टीज़र लगा था जो टाइगर का मैसेज के नाम से आया था एक ना टीज़र, वो ज़्यादा बेहतर लगा था कि भाई मैं अब आपसे ना वो टैग मैंने कभी अपने मुल्क से कुछ नहीं मांगा, उसका एक डायलॉग था कि मैंने कभी अपने मुल्क से कुछ नहीं मांगा मगर आज मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ इंडिया से, वो एक डायलॉग था कि हाँ यार बड़ा डिफरेंट तरीके का थोड़ा डायलॉग इन्होंने निकाला कि भाई एक सोल्जर ने कभी कुछ नहीं मांगा अपनी कंट्री से मगर आज वो क्या मांग रहा है अपनी सच्चाई का सबूत मांग रहा है अपने देश से ना, तो वो डायलॉग समझ आ रहा था मुझे। लेकिन ये तो सारे बहुत ही फारिड डायलॉग हैं, अब देखते हैं फिल्म कैसी होगी, यही दिखाएंगे क्या पाकिस्तान को नीचे दिखाएंगे उसमें और कुछ नहीं है। ट्रेलर देखने पे फिल्म हम लोग उस वक्त नहीं देखते जाके है ना, क्या होता है फिल्म हम नहीं देखते, नहीं फिल्मों में नहीं, मैं तो देख लेता हूँ, मैंने पठान भी देख ली थी और ये जवान आई थी, जवान तो बल्कि मैंने फिल्म देखने के बाद ही ट्रेलर पर रिएक्शन करा था। और हाँ ना काफ़ी सारी फिल्में तो हम ट्रेलर तो बाद में, हाँ ट्रेलर तो बाद में देखते हैं हम। यार हमारा देखो हमारा जो रिएक्शन चैनल है ना वो बहुत डिफरेंट तरीके का है, हम ना डेट को फॉलो करते हैं ना टाइमिंग को फॉलो करते हैं, हम अपने दिल की को फॉलो करते हैं, जो दिल चाहता है हम उस पर रिएक्शन करते हैं, जब दिल चाहता है जब करते हैं रिएक्शन, फिल्म आने के बाद करें फिल्म आने से पहले करें वो हमारी मर्जी, क्योंकि हमारा चैनल है, कोई किसी का बाप नहीं कुछ उखाड़ सकता है ना, सुन ले तू भी है बात। चलिए ये आज की हमारी वीडियो, अभी हमने बहुत सारी और इससे पहले कहीं और निकल जाओ, बस आज की वीडियो थैंक यू इतनी रखते हैं, थैंक यू, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, टिल देन ओके अल्लाह हाफिज़।